तो इस समय थे हम न्यू कॉलोनी गाबा की कोठी के पास गुड शेफर्ड स्कूल के जस्ट सामने भैया लगाते हैं। ये एक तरीके से हम यहाँ पर गुड़गांव के मशहूर छोले गुल से भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। वीकेंड्स वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही होता है। अभी भी आते रहेंगे थोड़े थोड़े करके, कस्टमर दो तो खैर आ ही गए, तो हम अभी लगवा रहे हैं अपने लंबे वाले। हाँ तो भाई एक और आ गया बंदा, आते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। भाई किस टाइम भीड़ ज़्यादा रहती है, किस टाइम भीड़ ज़्यादा रहती है? लंच टाइम। इसी टाइम? लंच टाइम। लंच टाइम 1-2 बजे के बाद है ना, उस टाइम मस्त सेल हो जाती है ना भैया, खतरनाक। और दूसरे भैया कहाँ हैं आज? गए हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो छोले पहले ही प्रिपेयर कर रखे हैं। दोपहर को जब प्रिपेयर करते हैं तब तो बहुत लग जाता है टाइम। तो भाई टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल यहाँ पर, अगर आप इस टाइम आओगे सुबह 11 बजे के आसपास। अगर आप लंच टाइम ऑफिस टाइम का टाइम आओगे तो भैया आपको वेटिंग दे देंगे। प्रोसेस वही नॉर्मल ही है, बट क्वालिटी अच्छी है यहाँ की। 35 रुपये की प्लेट है और रायता भी अलग से, सिरके वाले प्याज, सब कुछ बिल्कुल देसी छोले कुलचे वाला हिसाब है यहाँ पर। तो लोकेशन अगर इसके एग्जैक्ट मैं वापस बता दूँ तो ये सेक्टर 7 पड़ता है, न्यू कॉलोनी, और ये स्कूल देख लो पीछे गुड शेफर्ड गाबा की कोठी है, और वहाँ पर हमारा वेरीमन पॉइंट है। तो अपने बन चुका है भाई, एक बार रायता दिखा देना। ठीक है, ठंडा ठंडा रायता ये भी लगा देना हमारे लिए 2 गिलास। चिल रहता है ना पूरा टाइम? हाँ पूरा चिल रहा, पूरा चिल। सही है भाई, तो ये था यहाँ का हिसाब किताब। ये रहे यहाँ के, सब हो चुका है, टेस्ट करते हैं। खैर टेस्ट का तो रिव्यू नहीं दिखाएंगे, वो तो है यहाँ के बेस्ट। बाकी मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। थोड़ी छोटी वीडियो बने, ज़्यादा बेस्ट है।